लक्की के जॉक्स। 5 minutes later. मैं नहीं सुना रहा था यार, वो रह ही नहीं रहा है ऐसे तो इतना खा लेते हैं। और भाई सुबह सुबह का टाइम है, आज तो लग रहा है कुछ बनेगा स्पेशल। आज बिल्कुल नया नाश्ता बनने वाला है। ओ तेरी तो बहुत सारा सामान बनाया पड़ा भाई। ये आ गए भाई, आज तो बंद बन रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन मेरे हाथ के स्वाद चैनल में, मेरे हाथ के। तो भाई आज क्या बनने वाला है? आज बनेगा मसाला बन। तो बस अब फटाफट से यहाँ पे हमने देखिए कितने सारे पाव ले लिए हैं, और यहाँ पर उबला आलू है, उबाल लिया हमने आलू, इसको छील देते हैं। और उसके लिए हम प्याज गाजर शिमला मिर्च को काट देते हैं, और यहाँ पे हमने थोड़े से अंडे भी लिए हैं। तो अंडे को हम तोड़ देते हैं। सबसे पहले सारी सब्जियों को हम धो के काट लेंगे, सारी सब्जियाँ धो लेते हैं, हम चूल्हा जला लेते हैं। और यहाँ पे हमने आलू पहले से उबाल के रखे हैं ताकि फटाफट नाश्ता बन जाए, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। सारी सब्जियों को बस फटाफट से हम काट लेते हैं, सबको पानी में डालते जाएं। पानी में डाल देंगे प्याज को, काटने के बाद तो आंसू नहीं आएंगे। काटने के बाद भी, काटने से छीलने के बाद? छीलने के बाद, छील के काट लो ऐसे। आंसू गैस जानते हो कैसा होता है? कैसा होता है आंसू गैस? इधर हम तैयार कर रहे हैं, धुएं जैसा होता है, धुएं से भी आंसू आते हैं। और यहाँ पर हम फटाफट प्याज वाज काट लेते हैं, सब काट के मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे कैसे काटना है। और यहाँ पर ललित आलू छील रहे भाई। आलू हमने एक सीटी उबाल लिया, एक सीटी लगा के नहीं, दो सीटी अच्छी तरीके से पकाने हैं ना। अच्छा, वो तो कश्मीरी दम आलू के लिए या कोई दम आलू बना रहे हैं, सब एक सीटी। यार दम आलू भी बनाएंगे यार? बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। तो सारी सब्जियों को हमने धो लिया है, धोने के बाद सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से हम पोंछ लेंगे। देख रहे हैं पानी कितना भर गया इसके अंदर, ये देखिए। तो इसको हम पोंछ लेते हैं सबको फटाफट से, क्योंकि बारीक बारीक काटना है, पानी होता है तो काटने में दिक्कत होती है। ये हो गया, ये हमारा शिमला मिर्च, सभी को बारीक काटना है। गाजर, अगर आपके पास और भी कुछ हो जैसे कॉर्न हो, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर, जो भी आपको पसंद हो, बीन्स डाल सकते हैं, कुछ भी डाल, जो भी आपको अच्छा लगता हो भाई। तो ये सारी चीजें हमने धुल ली, अब फटाफट से काटते हैं। ऐसे हम सारे प्याज काट लेंगे ना, सबको छोटा छोटा काट लेंगे। और इधर हम बारीक बारीक गाजर भी काट ले रहे हैं। हाँ, सबको छोटा छोटा काटना है। और प्याज तो कट ही चुके हैं। और इधर पापा क्या कर रहे हैं? ये अदरक लहसुन पीस देता हूँ सिलवट्टे पे मसाला बंद बनाने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, सिलवट्टा हम पहले ही से धो रखे हैं, और इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट आप चाहें तो भाई जो रेडीमेड आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो सिलवट पर जरूर पीस के भाई बनाएं, बड़ा मज़ा आता है भाई। आओ भाई। हेलो गाइस, आपको एक जोक सुनाता हूँ। मम्मी कहा चली गई? लक्की के जॉक्स। 5 minutes later. मैं नहीं सुना रहा था यार, वो रह ही नहीं रहा है ऐसे तो। सुना भाई, सुना। चलो भाई बैठो। आखिरकार लक्की ने सभी लोगों का इकट्ठा कर ही लिया। हाँ बैठ रहे जी, बैठ रहे जी। चलो जी, तो चले दोस्तों, मैंने सबको इकट्ठा कर लिया भाई। अब जोक शुरू होता है, लक्की के जॉक्स। बड़ी मुश्किल से। तो चलिए दोस्तों, आपको जोक सुनाते हैं आज। आज मुझे अंडे देख के ना जोक याद आ गए भाई। तो जोक सुनते हैं। सुन रही हो ना मम्मी? मुर्गी का अंडा है। तो चलिए दोस्तों, जोक कुछ इस तरीके से है, इस तरीके का है कि भाई एक बार ना संता के गांव में आते हैं भाई कुछ लोग। अच्छा, ठीक है। वो जानवर के विभाग से होते हैं, वो देखते हैं जाके ना पूरे गांव में कि भाई के लोग क्या क्या खिला रहे हैं गांव में जानवरों को। तो संता के ना
पड़ोसी के पास सबसे पहले पहुंचते हैं। नहीं नहीं सर सुनो तो लो, तो संता के पड़ोसी के पास पहुंचते हैं तो भाई मुर्गी उनके पास होती है, तो सब वो सबके सब सोच लेते हैं ना कि इस गांव में भाई सबसे पूछेंगे तुम मुर्गी क्या क्या खिलाते हो। सबसे पहले वाले के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई क्या खिलाते हो। अच्छा अंजलि भाई हाँ। नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा क्या खिलाते हो? तो वो संता का पड़ोसी बोलता है कि हम तो भाई चावल खिलाते हैं। तो बोलते बस चावल खिलाते हो? तो बोलता हाँ, तो उसको ना जेल में ले लेते हैं। ठीक है जेल में लेके चले जाते हैं। फिर उसके बाद ना संता के दूसरे पड़ोसी से पूछा जाता है कि भाई आप क्या खिलाते हो? तो बोलता है बाजरा। तो बोलता है इतनी गर्मी में बाजरा खिलाते हो आप? तो उसको भी जेल में बोलते हैं कि इसको भी लेके जाओ जेल में। अब भाई संता की बारी आती है यार। अब संता बोलता है कि यार इसको भी जेल में डाल दिया, इसको भी डाल दिया, अब मैं ऐसा करूँगा क्या कि जो मेरे को नहीं डालेंगे। संता के पास आते हैं तो संता से पूछते हैं भाई आप क्या खिलाते हो? तो संता बोलता है अरे हम जी हम तो 5-5 रुपए दे देते हैं, जो खाना होता है खा लेते हैं। हैं हम तो 5-5 रुपए दे देते हैं, वो जो मर्जी खाना होता खा लेते हैं। तो फिर बोलते हैं कि हाँ ये बंदा ठीक है इसको छोड़ दो। कंफ्यूजन खत्म। तो भैया इसका घोल है सही था, जो करते 5 रुपए में खरीद के खा लेती है। सोना कहाँ से खिलाएगा भाई? फिर वो मुर्गी क्यों पालेगा सोना खिलाएगा तो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट जोक चाहिए तो बताएं जरूर। तो इसमें हम 4 चम्मच बेसन लिए हैं बन को फ्राई करने के लिए, और यहीं पे हम अंडा तोड़ के इसी में डाल देते हैं। ये आ गया हमारा दूसरा अंडा, और इसी तरह इसमें से हम 6 अंडे तोड़ देंगे 4 चम्मच में। ये आ गया हमारा तीसरा अंडा। अगर आप अंडा नहीं खाते तो पानी भी डाल सकते हैं। हाँ पानी का ही घोल, हाँ जिसको अंडा पसंद नहीं हो। और इसको पहले हम घोल बनाएंगे कि इसमें लम्स ना आ जाए। हाँ क्योंकि ज़्यादा अंडा डाल देंगे हम तो इसमें लम्स आ जाएगा, इस वजह से पहले इसका घोल हम बनाएंगे। फटाक से भाई हमने बना लिया है घोल। अंडा हम सारा तोड़ के डाल देते हैं इसमें, आपको जितना कम ज़्यादा बनाना हो उतना आप डाल सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें ये हो गए भाई हमारे 6 अंडे। 6 अंडे हो गए। यहीं पर हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, यानी कि 1 टीस्पून नमक भी, और इसको बढ़िया से हम फेंटेंगे। जितना अच्छा फेंटेंगे उतना अच्छा फूलेगा और मस्त मस्त कोटिंग चढ़ेगी। इसको हम फेंट देते हैं बढ़िया से और इसको थोड़ा देर हम छोड़ देंगे, जब तक हमारा ये फिजिंग बन जाएगा फिर आपको लेके चलेंगे फ्राई करने के लिए। और मम्मी क्या कर रहे हो? लकड़ियाँ सुखा रही हूँ। लकड़ियाँ सुखा रही हो? ये देखे दोस्तों इस तरीके से मम्मी लकड़ी सुखा रहे थे और इसको हम हटा दे रहे हैं। इसमें तो आग भी लग गई मम्मी एक में, तो बुझ जाएगा थोड़ी देर में। ये लो ये गीली लकड़ियाँ थी। अच्छा। और ये जलने लायक हो जाएगी। इस पे कढ़ाई रख लेते हैं फिलिंग बनाने के लिए। फिलिंग की चीज़ की मम्मी? मसाला बन की। तो भाई सारा मसाला बन का सामान लेके जा रहे हैं मम्मी के पास। कढ़ाई में हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। अच्छा 2 चम्मच। ये है हरा मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हरा मिर्ची को पहले डालेंगे, हल्का सा भून लेंगे। ये क्या है? ये आलू है। आलू रख दूं? हाँ। मिर्ची हल्का सा भून गया है, अब यहीं पे हम प्याज डालेंगे। प्याज को भी भून लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे प्याज में। हाँ मसाला पाव के लिए हम एक सलाद तैयार कर रहे हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे हम लाल मिर्च डालेंगे और साथ ही खूब सारा धनिया। और ऊपर से हम डाल ले रहे हैं नींबू, लेमन जूस।
तो ये देखिए दोस्तों, इधर भून चुके हैं हमारे प्याज और मिर्ची। अब डाल लेते हैं गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डाल के और अच्छा से भून लेंगे। सब्जी हल्का सा भून गया, इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च और थोड़ा सा स्वाद अनुसार आलू को ध्यान में रखते हुए नमक मिला लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, अच्छा से भूनेंगे। मम्मी और कितना टाइम लगेगा इसको बनने में? बस आलू भून जाए उसके बाद बन जाएगा ना। देखो मम्मी, मुझे लग रही है भाई भूख, मैंने सुबह से जैसे नाश्ते का ही टाइम है, मैंने कुछ नहीं खाया है, ठीक है, मुझे लग रही है भूख। और थोड़े से पेड़ पौधे दिखा देता हूँ, ये देखिए भाई बढ़िया है ना। दो तीन मिनट हम भून लिए हैं, अब हम डालते हैं इसमें आलू। आलू डालेंगे और यहीं पर डालेंगे पानी आधा गिलास, इसको अच्छा से भूनेंगे। भूनते भूनते सारा आलू का पानी सुखा लेंगे, तब ये बनेगा बढ़िया मसाला पाव में मसाला। तो देखिए मसाला को हम कितना अच्छा भुने हैं, इस तरीके से इसके ब्राउन चिट्टी आ गई है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ऐसी ब्राउन चिट्टी ले आइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा मसाला पाव। अब इसको हम निकाल लेंगे ना मम्मी? हाँ, निकाल के ठंडा करेंगे। अब हम चलते हैं भाई पाव की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, बन उठा लेते हैं और बन को काट लेते हैं। ये देखिए भाई, ललित ने तो जल्दी काट दिया, और ये भाई इधर भी कट गया भाई, इधर फटाफट से पूरा नहीं काटना है, थोड़ा थोड़ा तो छोड़ देना है। और ललित भाई अगर आप सीख रहे हो आप भी खाना बनाना, अब इसके अंदर हम डालेंगे फिलिंग। अच्छा भैया क्या कर रहे हैं? आने वाली है, आने वाली है क्या मम्मी? दिवाली खोल के रख ली थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा। ये देखो भाई मस्त से एकदम भर लेंगे एकदम, ये जितना भी हो सके उतना भर लो। ये देखिए दोस्तों फटाक से भर लेते हैं एकदम, भाई मुंह में पानी आ गया, ऐसे भी खा लूंगा भाई मैं तो एक दो खा ले। चलो भाई अब इसको थोड़ा सा ऐसे बराबर कर लेंगे यहाँ से, और इसकी और इसको अच्छे से दबा देंगे कि भाई निकले ना, और फटाफट से भर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सो भाई लोग मेरे हिसाब से तो बहुत कम है इसके अंदर माल पानी, थोड़ा सा और डालेंगे एकदम हुमच के। अरे भाई आलू पूरा तो ही भर लेगा क्या? ठीक है नहीं, आलू बहुत है, आलू तो बहुत। अरे ये भाई बन गया बर्गर, आप चाहे तो चटनी भी लगा सकते हैं। हम इसके साथ आपको चटनी देंगे थोड़ा, अगर भाई बढ़िया लग रही है लड़की। थोड़ा ना ये बन थोड़ा पुराना हो गया है पर खाने में टेस्टी लगेगा मम्मी। गोल्ड इज गोल्ड। इसे फटाफट उठा के रख लेते हैं भाई प्लेट में। देख रहे हो ना भाई कितने मस्त मस्त बने पड़े हैं भाई, मैंने तो खा भी लिया है। तेल गरम हो गया तो भाई ये आ गए भाई पाव। घोल भी लाओ मसाला पाव, बस अब खाने को मिलने ही वाला है भाई। घोल को एक बार फेंट लेते हैं, जल्दी दो। मम्मी डाल दो थोड़ा धनिया, डाल दो हाथ वो हटाओ, स्टेन हटाओ भाई। तेल हमारा गर्म हो चुका है, बहुत बढ़िया, गर्मा गर्म तेल में जाएगा बन। इस तरीके से डिप करेंगे, इस तरीके से ऐसे आराम से तल लेंगे, इसे पलट लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया करारा हुआ है, अगर करारा ना हो तो उलट पलट के इसे बढ़िया करारा कर लें, उसके बाद इसे निकाल लें इस तरीके से प्लेट में डालें। और ये देखिए दोस्तों डाल लेते भाई फटाफट से इसके अंदर, हमने डिप कर लिया अपने घोल में, और ये डाल लेते हैं भाई, ये गया तेल के अंदर। आज नहीं है भाई, ये मम्मी फटाफट आज तेज करते हुए, और यहाँ पर भाई पूरी आज तेज हो गई है लग रहा है। तो भाई कितना बढ़िया बन चुका है भाई, ये देखो यार, ओए होए मज़ा आ गया यार, आज तो लग रहा है नाश्ता तगड़ा हुआ यार।
ये भाई एक और बन गया भाई, क्या मस्त खुशबू आ रही है यार। फटाफट डालें, फटाफट निकालें हाई फ्लेम पे। हटाना भी छन्नी हटाओ। ये दोस्तों झाग इसलिए आ जा रहा है कि ये जब अंडा फ्राई होता है ना तेल में बहुत ज़्यादा, तो ऐसे थोड़ा बहुत झाग आ जाता है। हाँ, इसको एक मिनट में पलट दें। देख रहे हो ना भाई फटाफट बन रहे हैं अब तो भाई, मतलब आप आधे घंटे में ना पूरे परिवार के लिए पूरा भरपेट बना सकते हो भाई। देख रहे हो ना कितने फटाक से बन गए। और ये एक और डाल लेते हैं, उधर से डाल, उधर से एक और डाल लेते हैं बस। और हम ऐसे सारे बना लेंगे ना मम्मी, है ना अंजलि भाई? और अंजलि मदद करा रही है मम्मी की, फटाफट कर दे रहे हैं भाई। दोस्तों हमारा नाश्ता तैयार हो गया है, फटाफट से हम सर्व कर लेते हैं और टूट पड़ते हैं। यहाँ पे हम डाल लेंगे थोड़ी सी लाल चटनी, थोड़ा सा यहाँ पे हम सलाद डाल लेते हैं प्याज का, और यहाँ पे हम डाल ले रहे हैं हरी मिर्च। मिर्च मिर्च। मम्मी का प्लेट तैयार। ऐसी हम सभी प्लेट तैयार कर रहे हैं फटाफट से। मसाला बंद फ्राई होके आ गया है प्लेट में। अब जाएगा पेट में। किसके पेट में जाएगा? मेरे दोस्तों के। अच्छा, हम सबके। हाँ दोस्तों का भाई सबसे पहले पेट में। तो दोस्तों आप ले लीजिए, नहीं तो बोलिएगा नहीं कैनिता जी वेट बढ़ जाएगा। वेट नहीं बढ़ेगा, ऐसा ऐसा चीज बनेगा तो कहाँ से वेट बढ़ेगा। तीन ही तो खाना है बस, कहाँ से वेट बढ़ेगा। बारह खाते तो कोई बात नहीं। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हम आपको दिखा देते हैं कि इस बंद का ये वाव कितना स्पॉन्जी है। वाव, अरे बाबा रे, आए बाबा आए बाबा। ये देखिए तोड़ के, ओहो मम्मी, ये भाई बाबा मम्मी की नई यूनिक रेसिपी है नाश्ते के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए लॉन्च की है। बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट। और ये ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो उसके जगह पे बेसन का घोल बना लें। मैं तो भाई डायरेक्ट खाने में विश्वास। दोस्तों जल्दी से आ जाइए भाग के। तो हम लोग कैसे इसको खाते हैं ये बता देती हूँ। प्याज और चटनी लगा के एक बार टेस्ट करा देती हूँ। हरा चटनी के भी साथ बन सकते हैं। हाँ, तो हरा चटनी अपना पसंद, अपना पाओ, खुद खाओ। तो भाई कैसा बना है अंजलि भाई? एकदम मस्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बना है। और ललित भाई कैसा बना है? बढ़िया लग रहा है, प्याज साथ बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब कहा बोली, एकदम मस्त बना है तो बोल रहा है तो कोई बात ही नहीं है। देखिए कितना फिलिंग भी बढ़िया भरा गया। बड़ा पाव के बाद ना इसी का बारी है। एक दिन बड़ा पाव भी बनाएंगे। ठीक बना है, स्वादिष्ट, प्याज का स्वाद बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों जरूर इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। बीच बीच में मिर्चा खाते रहो, देखो कितना मजा आता है। So, दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। और इस वीडियो को फटाफट लाइक करें। और दोस्तों इतना फन, इतनी कॉमेडी और इतना आसान तरीका और नई नई रेसिपी कहाँ मिलेगी? मेरे हाथ के स्वाद चैनल पे। तो दोस्तों हमको फॉलो करना ना भूले, फेसबुक पर भी, फेसबुक पर भी हमने अकाउंट बना रखा है, नया नया रेसिपी अपलोड करते हैं वहाँ भी, तो जरूर फॉलो करें मेरे हाथ के स्वाद को। हाँ, और भाई भाग के फिर खत्म कर लेते हैं, फिर हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और क्या बनाएं हम अगले रेसिपी ये भी बताइएगा। अगला रेसिपी हम क्या बनाएं आप लोग जरूर बताइएगा, कुछ अच्छा बताइएगा दोस्तों, जिससे पेट भी भर जाए और मन ना भर। भाई कमेंट सेक्शन जाके भर देना, और भाई जिसको मेरा जोक पसंद आया लाइक ठोक देना। आया तो खत्म हो जाएगी।